ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिवाली का जश्न मनाती ये तस्वीरें पाकिस्तान से आई हैं। इन तस्वीरों में आपको पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री और पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ दिखाई दे रही हैं। इन्होंने दीपावली समारोह में पाकिस्तान के पंजाब में हिस्सा लिया और दिवाली का जश्न मनाती हुई वो नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने अपने राज्य में अल्पसंख्यकों के समर्थन के लिए कई तरह के पहलों की घोषणा भी कर दी। ये हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल कैसा है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अल्पसंख्यक सबसे बदहाल स्थिति में हैं, खासकर हिंदू और सिख। इन दोनों पर ही पाकिस्तान में किए जाने वाले जुल्मों से हर कोई भली भांति परिचित है। ऐसे में इस दीपावली समारोह में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ शिरकत करने आई, यह अपने आप में बड़ी घटना है। यह हो सकता है कि वो पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के निशाने पर आ जाएं। हालांकि वो तो इस बात पर भी निशाने पर हैं कि बतौर महिला उन्हें एक प्रदेश का कमान दे दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मरियम नवाज ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक विशेष कार्ड जारी करने और अल्पसंख्यक वर्चुअल पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा की है। उन्होंने अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने पारंपरिक दिवाली का दिया जलाया और वर्चुअल आतिशबाजी में भी हिस्सा लिया। खबर यह भी है कि पंजाब की सीएम ने हिंदू महिलाओं से बातचीत की और 1400 हिंदू परिवारों को 15,000 रुपए के चेक वितरित किए हैं। इसके अलावा उन्होंने दिवाली के मौके पर कहा है कि मुझे दिवाली का दिया जलाकर बहुत खुशी हुई, ये पाकिस्तानियों के रूप में हमारी एकता का प्रतीक है। उन्होंने अपने बचपन की शिक्षाओं को भी लोगों से साझा किया और कहा कि कैसे उनके पिता नवाज शरीफ ने उन्हें अल्पसंख्यकों को गर्व का स्रोत मानना सिखाया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मरियम ने जोर देकर कहा है कि सभी धार्मिक उत्सवों का सामूहिक रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि यह हर कोई भलीभांति परिचित है कि पाकिस्तान में हिंदू और सिख परिवारों के साथ क्या किया जाता है, किस तरह से उनके अधिकार कुचले जाते हैं, किस तरह से इन घरों की बेटियों को उठाकर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराकर पाकिस्तानी कट्टरपंथी शादी कर लेते हैं, जबरदस्ती करते हैं। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ का इस तरह से आगे आना, दिवाली समारोह में शिरकत करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करना, क्या वाकई में कोई विशेष फर्क लाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।